नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। क्या चाइना भारत के साथ डबल गेम कर रहा है? क्या वो अपने युद्ध की तैयारी कर रहा है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले दिनों ये कहा था कि चीन और भारत यदि चाहें तो मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये बात क्यों बोली कि पीएम मोदी का मूड खराब है चाइना को लेकर के, यानी कि अंदर खाने अभी तनातनी जारी है। They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India is not happy and probably China is not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. तो जो उन्होंने मध्यस्थता की पेशकश की थी उसमें भारत ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन चाइना ने भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन वहाँ का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स उसने ये छापा है कि इसमें अमेरिका की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिका अपना देखे, भारत और चाइना दोनों अपनी समस्या को सुलझाने में सक्षम है। चलिए, अच्छी बात है यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो, लेकिन कौन सा वो पॉइंट है जो चाइना की नीयत पे, उसकी दोगली नीति पे भारत को डाउट करने के लिए मजबूर कर रहा है? तो आपने दो बयान देखे होंगे। एक बयान आया था जो भारत में चाइना के राजदूत हैं सुन विडांग, उन्होंने कहा था कि ड्रैगन और जो एलिफेंट है वो साथ साथ डांस कर सकते हैं। और उससे पहले जो चाइना के प्रवक्ता हैं झाओ लिजियान, उन्होंने कहा था कि सब कुछ सीमा पे कंट्रोल में है। तो लगा कि जैसे थोड़ा सा माहौल ईजी हो रहा है, चाइना बातचीत कर रहा है, बातचीत चल भी रही है बैकडोर चैनल से। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि एक जगह है चाइना में हेलनसोंग, वहाँ पे चाइना ने क्या किया है कि पूरा लद्दाख मॉडल रिक्रिएट किया है, आप तस्वीरों में देखेंगे, और वहाँ पे वैसे ही सेना की तैनाती करके किस तरीके से वार करना है, किस तरीके से भारत पे हमला करना है, वो बकायदे वहाँ पे ट्रेनिंग की गई है आर्मी की। अब यहाँ से डाउट क्रिएट होना शुरू होता है, क्योंकि आपको यदि 62 याद हो और 62 ना भी याद हो, जो उसके बाद की पीढ़ी हो तो उसने यदि पढ़ा हो इतिहास में, तो चाइना यही करता रहा है कि पहले उकसाता है, उकसाने के बाद जो है उसको वो थकाता है आपको मानसिक रूप से, आपने डोकलाम में भी देखा होगा, और उसके बाद उसके हिसाब से फैसला नहीं होता है तो वो अचानक हमला करता है, यानी कि जब आप तैयार ना। तो ये जो हेलनसोंग वाली बात आ रही है कि उसका मॉडल रिक्रिएट किया गया है, वहाँ पे क्या क्या किया गया, सुरक्षा बल, हेलीपैड, पावर प्लांट यूनिट, ये पीएलए का जो है सारा वो कुछ वहाँ पे रख करके देखा गया, पीएलए का कैंप वगैरह लगा करके। और इसके अलावा और क्या इन्होंने किया है, ये ग्लोबल टाइम्स की ये रिपोर्ट कह रही है, वो ये कह रहे हैं कि अनमैंड एरियल व्हीकल्स, जिसको UAV भी बोलते हैं, AR-500C जो है ये वहाँ पे उस इलाके में इनकी प्लानिंग है कि इसके जरिए सैनिक प्रशिक्षण, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ऊंचाई से फायर वगैरह वगैरह की व्यवस्था उसी से कर रहे हैं, यानी कि तैयारी पूरी अपनी कर रहे हैं। और विवाद के कौन कौन से पॉइंट है लद्दाख में, ये वही इलाका है जो 1962 में वार हुई थी और यहाँ पर इन्होंने भारत के खिस्से पर कब्जा करके अक्साई चीन ले लिया था, और ये अक्साई चीन वो है जो इनके सिंगजियांग प्रांत से जुड़ता है। तो वहाँ पे चार ऐसे पॉइंट हैं, एक तो पेंगोंग सो है जिसको पेंगोंग झील भी बोलते हैं, गलवान घाटी है, देमचोक है, और दौलत बेग ओल्डी है। यहाँ पे इन्होंने अपने सेना और सैन्य सामान बढ़ा दिए हैं, मतलब अभी स्थिति बस दो बयान के अलावा और कोई ऐसा इशारा नहीं मिला जिससे लगे कि माहौल जो है ठंडा हो रहा है। अब भारत ने क्या किया है, भारत ने दो चीज़ किया है, भारत ने ये कह दिया कि हम जो सड़क बना रहे हैं या पुल बना रहे हैं उस काम को नहीं रोकेंगे, भारत का पहला स्टैंड, भारत ने काम नहीं रोका है। दूसरी बात क्या किया है, जितनी संख्या में इन्होंने आर्मी तैनात की है उतनी ही संख्या में इन्होंने भी आर्मी और तैनात कर दिया, अपना सैन्य साजो सामान भेजना शुरू कर दिया, यानी कि दोनों तरफ से किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी है। भारत की जो एक नीति है कि हम पहले हमला करेंगे नहीं, लेकिन यदि कोई हमला करेगा तो हम 62 की तरफ पीछे भी नहीं हटेंगे।
तो अब ये देखना है कि क्या चीन जो है बीच में मीठी मीठी बातें करके, बातों में उलझा करके अपनी उधर से पूरी तैयारी कर रहा, या उसके नियत में साफ गोई है, वो भारत से युद्ध नहीं चाहता है, बातचीत से इसका समाधान चाहता है। क्योंकि दो तीन बड़े डेवलपमेंट इस बीच में चीन में हुए हैं। एक तो चीन की संसद ने जो सुरक्षा कानून है हांगकांग को लेकर के, उसको पारित कर दिया है, कल ही पारित किया है। उसको लेकर के दुनिया के देश, खासतौर से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया जताई है, और दुनिया के 200 नेताओं ने बयान जारी करके कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए 2047 की डेडलाइन है कि 2047 तक हांगकांग की आप यही स्थिति रखेंगे। ब्रिटेन के साथ जब इनका डिक्लेरेशन हुआ था ज्वाइंट, उसमें ये बात कही गई थी, 1997 में हुआ था, और 2047 तक यही स्थिति रहनी थी। हांगकांग में लोकतंत्र है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, आप कह सकते हैं डिक्टेटरशिप है। तो हांगकांग में इसको लेकर विरोध होना तय है, दुनिया में भी विरोध होना तय है। ताइवान का मसला अलग चल रहा है, साउथ चाइना सी का मसला अलग चल रहा है, और तिब्बत तो उनके लिए हमेशा से हेडक है ही। अब कोरोना की परिस्थिति अलग, तो ऐसा नहीं है चाइना बहुत अच्छे माहौल में नहीं है, बट उसका काम है पड़ोसियों को डराना, धमकाना और अपने हिसाब से उनसे व्यवहार कराना। तो अब देखते हैं कि ये क्या मामला टर्न लेता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बात बोली है कि पीएम मोदी ठीक नहीं है, क्या ये कोई अगला खराब टर्न भी ले सकता है चाइना और भारत का? क्योंकि बीच में दो दिन ऐसा माहौल बना था जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे इसको लेकर के कोई बड़ी खबर आएगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।